हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेंट्रल गराज रिसर्च सेंटर पे। ये देख सकते हैं आप 26 24 34 42, ये रेक्टिफायर प्लेट टाटा सिग्ना BS6 का रेक्टिफायर प्लेट है। इस रेक्टिफायर के प्लेट के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ कि इसे कैसे चेक किया जाता है बल्ब सीरीज के माध्यम से। मैं बल्ब सीरीज के माध्यम से इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि बल्ब सीरीज से कैसे चेक करें रेक्टिफायर प्लेट को। आज मैं चेक करूंगा मल्टीमीटर के द्वारा, मल्टीमीटर से रेक्टिफायर प्लेट को कैसे चेक किया जाता है। तो ये हमारा रेक्टिफायर प्लेट है। ये रेक्टिफायर प्लेट में आप देख सकते हैं ये जो भाग है, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, ये जो भाग है ये हमारा नेगेटिव है और ये जो भाग है पॉजिटिव है। इस पे नेगेटिव लिखा हुआ रहता है और इस पे पॉजिटिव लिखा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मल्टीमीटर से रेक्टिफायर को कैसे चेक किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर लेना है। ये हमारा कंटिन्यूटी रेंज है, इस पे बीप का आवाज आएगा, ये बीप का आवाज आ रहा है तो इस पे सेट कर लेना है। उसके बाद आपको रेक्टिफायर को चेक करना है। तो ये हमारा पॉजिटिव वायर है रेक्टिफायर प्लेट का, ये पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव पे मैंने लगा दिया, ये पॉजिटिव है हमारा। पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगाने के बाद ये देख सकते हैं ये हमारा रेक्टिफायर में किसी तरह का ना रीडिंग आ रहा है, ना कंटिन्यूटी आ रहा है, ना रजिस्टेंस आ रहा है। तो इस पे किसी भी प्रकार का रजिस्टेंस या कंटिन्यूटी या रीडिंग किसी भी प्रकार का कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये पॉजिटिव पे नेगेटिव जा रहा है तो ये किसी पे भी नहीं आएगा, ओनली ये प्लेट पे आएगा। ये देख सकते हैं ये प्लेट पे कंटिन्यूटी आ रहा है और ये प्लेट के साथ ये जो हमारा प्लेट अटैच है इस पे भी आएगा। तो ये भूलिए मत क्योंकि इस पे अटैच है ये, क्योंकि इस पे अटैच है तो ये आएगा ही आएगा, कंटिन्यूटी हमारा आएगा। अब मैंने माइनस को लगा देना है प्लस पे, उसके बाद हमें चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 554 के आसपास ये हमारा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आता है, ये रेक्टिफायर का रेजिस्टेंस बताता है। तो ये भी रेक्टिफायर का रेजिस्टेंस बताएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस बता रहा है और ये भी रेजिस्टेंस बताएगा और ये भी रेजिस्टेंस बताएगा, क्योंकि रेक्टिफायर चार लगे हुए तो चार तरह से रेजिस्टेंस बताएंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये चारों का रेजिस्टेंस बताया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ही बताएगा 1242 रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ भी बताएगा 1242 रेजिस्टेंस। ये देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है क्योंकि ये उल्टा लगा हुआ है, इस पे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। उल्टा चेक करने के बाद प्लस को माइनस पे करने के बाद ये हमारा माइनस है, यहाँ पे आएगा ये कंटिन्यूटी और यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से आप रेक्टिफायर प्लेट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है 553, क्योंकि ये अटैच है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ अटैच है ये, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ अटैच है, इसकी वजह से ये आ रहा है। यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे आएगा। एक बात और याद रखे कि ये जो सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे प्लस वायर जो हमारा कटआउट पे लगता है, इसका सिस्टम ओनली ये है, ओनली ये जो है ये कंटिन्यू दिखाएगा और एक ये, क्योंकि इस पर डाइट लगाने का सिस्टम दिया हुआ है। ओनली तीन में ये कनेक्शन आएगा, इस पर पॉजिटिव लगता है, यहाँ से एक जाता है कनेक्शन, यहाँ पे लगता है और कटआउट यहाँ पे सेट होता है। तो ओनली ये यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, एक ये और एक ये सिस्टम हमारा डाइट का सिस्टम बनाया गया था। इस पर विदाउट डाइट है, इस पर डाइट नहीं लगा हुआ है, ओनली इस पर रेक्टिफायर लगाया गया है, क्योंकि ये BS6 का न्यू रेक्टिफायर प्लेट है। न्यू रेक्टिफायर को मल्टीमीटर के माध्यम से कैसे चेक करते हैं मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।